विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने 24 दिनों में ही नाबालिग 6 वर्षीय गूंगी अबोध दलित बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 1,00,000 जुर्माने से दंडित करने का फैसला सुनाया। जुर्माना नहीं भरने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पीड़िता को मिलेगा आर्थिक दंड में वसूला गया 1,00,000। जनवरी माह की 7 तारीख को मणिघान थाना क्षेत्र के मनगढ़ता जंगल में जुड़िया ग्राम निवासी अभियुक्त राकेश यादव ने 6 वर्षीय अबोध मूक बधिर बच्ची को खेलते समय गोद में उठाकर ले गया। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब बच्ची को परिजनों ने नहीं देखा तो उसकी खोज में जुट गए। गांव के ही दूसरे बच्चों से जब पता चला कि राकेश बच्ची को जंगल की ओर ले गया है, तब परिजन उसकी खोज में चल दिए। जंगल में पहुंचे परिजनों को अबोध बालिका खून से लथपथ सिसकती मिली। दुष्कर्म के बाद अभियुक्त राकेश पीड़िता को छोड़कर फरार हो गया था। अभियोजन के अनुसार मणिघान थाना क्षेत्र के जुड़िया निवासी अभियुक्त राकेश यादव पुत्र संतू यादव के खिलाफ नामजद रिपोर्ट पीड़िता की मां ने थाना मणिघान में दर्ज कराई। विवेचक ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराने के उपरांत गूंगी होने के कारण एक्सपर्ट के माध्यम से उसका बयान न्यायालय में भी दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया। मामला अति गंभीर होने पर अदालत ने इस पर त्वरित कार्यवाही शुरू कर मात्र 24 दिनों में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष ने भी इस मामले में त्वरित पैरवी करते हुए इतने कम समय में पीड़ित पीड़िता के माता पिता, एक्सपर्ट डॉक्टर और विवेचक सहित कुल 10 गवाहों को कोर्ट के समक्ष परीक्षित कराया। न्यायाधीश अच्छे लाल सरोज के ऐतिहासिक फैसले से मिर्जापुर न्यायालय ने इतिहास रच दिया। मिर्जापुर से नितिन अवस्थी की रिपोर्ट। मामला क्या चीज है, फिर बताइए। मामला ये रहा है कि एक 6 साल की बच्ची थी, गूंगी बहरी थी। वो घटना वहाँ की गोपालपुर जुड़िया की, थाना मणिघान की है। वो अपने दरवाजे पे खेल रही थी बच्चों के साथ, उसकी माँ काम करने गई थी। उसने एक उसी के गांव का एक राकेश यादव नामक लड़का आया। अब वो उसको लेके जंगल की तरफ चला गया, जंगल तरफ करके उसको रेप करके, और उसकी जब ब्लीडिंग व्लीडिंग होने लगी तो वो उसको छोड़ के भाग गया। वो लड़की रो रही थी जंगल में, दो चरवाहों ने उसकी आवाज़ सुनी और गए उसको लेके और गोपालपुर जुड़िया की तरफ आ रहे थे। मनगवड़ा जंगल से गोपालपुर जुड़िया की तरफ आ रहे थे। उसकी मदर भी आई काम करके, माँ उसको ढूंढने लगी कि मेरी बच्ची कहाँ गई। बच्चों ने बताया कि वो लेकर जंगल की तरफ राकेश यादव गया है। तो उसकी माँ जंगल की तरफ बढ़ रही थी, तब से वो आके वहाँ पर अपने बच्चों को रास्ते में टेकअप की। उसके बाद उसके खिलाफ 7 तारीख को FIR हुआ, 7 जनवरी को। 19 जनवरी को हमारे यहाँ चार्जशीट आई, 25 को मेरे यहाँ चार्ज फ्रेम हुआ। उसके बाद मैंने 10 गवाह गुजारे। जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक मिर्जापुर। आलोक जी बताइए कि आज एक फैसला आया है, तो क्या मानना है आप जैसे वो लोगों का जो इस न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं? देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में जहाँ तक इस समय वर्तमान समय महिलाओं के प्रति अपराध है, ये जो है बड़ी ही गंभीर विषय हो चुका है। यह पूरे भारत के, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए गंभीर विषय है। तो महिलाओं संबंधित अपराध के लिए अपने उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता भी है कि महिलाओं संबंधित अपराध में विशेष रूप से जोर देकर त्वरित न्यायिक जो है वो क्रिया का संपादन किया जाए। तो इसके लिए त्वरित न्यायिक प्रक्रिया के लिए जब तक कि पुलिस प्रशासन, अभियोजक गण और माननीय न्यायालय, ये अभिकरण जो है एक साथ मिलकर कार्य नहीं करेंगे, तब तक संपादित नहीं हो सकता। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।